हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एएचयू एंड एफसीयू के बारे में एंड यूजर डिवाइस, इसमें कौन कौन सा डिवाइस यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हम फुल डिटेल्स यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका साइज कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है इसका, एयर डिस्ट्रीब्यूशन और कौन कौन से इसमें पार्ट यूज किए जाते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे इसके बारे में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। ये अक्सर जो है क्लाइंट आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछ देता है, एएचयू एंड एफसीयू का डिफरेंस बताइए कि एएचयू और एफसीयू में डिफरेंस क्या है। ये जो एचवीएसी फील्ड में काम करते हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर वो जान रहे हैं तो अच्छी बात है, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो इसके बारे में देखें इस वीडियो को, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एएचयू का ऑलरेडी हम एक वीडियो बनाए हैं जो लाइव आपको वीडियो में दिखाए हैं कि क्वाइल सेक्शन किधर है और उसका फिल्टर सेक्शन कहाँ है, ब्लोअर सेक्शन किधर है, सप्लाई एयर डक, रिटर्न एयर डक, फ्रेश एयर डक कैसे ऐड हो रहा है, सब कुछ वो हम आपको एक वीडियो बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ रहेगा, आप उस वीडियो को भी वॉच करें और यहाँ पर देखें आज इसका हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, साइज के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो एएचयू का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। एएचयू का फुल फॉर्म एयर हैंडलिंग यूनिट और एफसीयू का फुल फॉर्म होता है फैन कॉइल यूनिट। ठीक है, ये आप दोनों का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, कहीं भी आप जाएं या काम करने जाएं या इंटरव्यू के लिए जाएं, ये आपको मालूम होना चाहिए। साइज जो है ये बिगर होता है और ये स्मॉल होता है, एफसीयू जो है स्मॉल होता है। ठीक है, और ये देखने में थोड़ा बड़ा होता है। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर देखते हैं, ब्रांड के हिसाब से, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि जटिल होता है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ डिवाइस यूज किए हुए रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये सिंपल होता है एफसीयू। एयर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखेंगे तो इसमें डक्ट यूज किए जाते हैं, रिटर्न एयर डक्ट, सप्लाई एयर डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट, इस तरह के डक्ट हम लोग यूज करते हैं, जो कि एफसीयू में डक्ट यूज नहीं होता है। ऑपरेशन में आप देखेंगे तो ये साइलेंट रहता है, एएचयू जो है साइलेंट आपको देखने को मिलेगा और एफसीयू जो है थोड़ा नॉइजी होता है, इसमें थोड़ा सा साउंड मिलता है। रीजन क्या है साइलेंट होने का इसका, कि एएचयू जो है ना, एएचयू के लिए अलग से रूम बनाया जाता है जहां से सप्लाई एयर डक्ट के जरिए जहां पे भी फीडिंग करा रहे हम लोग एयर को, जिस पर्पज के लिए आदमी लोग बैठे हुए हैं या किसी मटेरियल सामान के लिए, जिस चीज के लिए हम लोग कूलिंग एयर वहां पे दे रहे हैं, तो एएचयू तो कहीं और रूम में है, वहां पे मोटर ब्लोअर जो भी है वहां पे चल रहे हैं, प्रोसीजर हो रहा है, वहां से सिर्फ हम लोग सप्लाई डक्ट के जरिए एयर को लेके आ रहे हैं, तो एयर का साउंड वैसा हमको देखने को मिलेगा नहीं। और वो जिस एरिया में फिटिंग करा जाता है वहां पे उस डक्ट के बीच में वीएबी यूज करते हैं, अभी हम आपको बताएंगे इसके अंदर क्या क्या यूजेज है। वीएबी यूज करते हैं, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ठीक है, एयर का जो है वॉल्यूम को इससे कंट्रोल किया जाता है वीएबी के जरिए, ये हमारा सप्लाई एयर डक्ट में मिलता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे क्लाइंट की वीएबी को कहां यूज करते हैं, तो सप्लाई एयर डक्ट में हम लोग यूज करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एयर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये थर्मोस्टेट से काम करता है हमारा, टेम्परेचर के हिसाब से ये ओपन एंड क्लोज होता है। ओके, ये याद रखेंगे। और ये एफसीयू हमारा साउंड क्यों आता है, कि जहां पे जिस एरिया में हम लोग एफसीयू जहां पे हम लोग हैं, जैसे कि ये एक रूम है, इस रूम में हम लोग अगर एफसीयू लगाए हैं तो यहीं पे फिटिंग करेंगे, इसके लिए दूसरा रूम में हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं है, एफसीयू को यहीं पे फिटिंग करेंगे और यहाँ पे फिटिंग करेंगे तो इसका साइज छोटा रहता है, लेकिन सिंगल फेज का मोटर है, फिर भी ब्लोअर का थोड़ा सा साउंड आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए ये थोड़ा नॉइजी होता है। फेज ये थ्री फेज का इसको मोटर रहता है अपना एयर हैंडलिंग यूनिट का, क्यों, ये ज्यादा सीएफएम का हमारा इक्विपमेंट रहता है, समझ गए, ज्यादा टर्न ऑफ रोटेशन का इसको हम लोग यूज करते हैं, एएचयू का ज्यादा एरिया में फिटिंग करने के लिए, ज्यादा बड़ा एरिया में फिटिंग करने के लिए। अक्सर ये कॉमर्शियल इंडस्ट्री लाइन में आपको देखने को ये दोनों चीज मिलेंगे, क्योंकि दोनों में हमारा चिल्ड वाटर सप्लाई यूज होता है, जो चिलर से जो पानी आता है हमारा ठंडा पानी, वो दोनों में यूज किए जाते हैं एफसीयू एंड एएचयू में। इसका ये थ्री फेज का रहता है, ये हो गया ज्यादा सीएफएम का आपको मिलेगा एएचयू और ये कम सीएफएम का आपका एफसीयू मिलेगा। इसमें सिंगल फेज मोटर होता है और ये थ्री फेज का मोटर रहता है। अभी इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये दोनों में आपको हम बताते हैं। मोटर मिलेगा, थ्री फेज का मोटर आपको मिलेगा, कूलिंग कॉइल मिलेगा, ह्यूमिडिफायर मिलेगा, जो चीज हमको इसमें नहीं मिलेगा, एफसीयू में हमको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। बल्क फिल्टर, प्री फिल्टर, प्लेटेड फिल्टर, कार्बन फिल्टर, इस तरह के फिल्टर हमारा एएचयू में यूज किए जाते हैं।
समझिए, एक ही साथ नहीं, मतलब जरूरत के हिसाब से आपको प्री फिल्टर तो कंपलसरी मिलेगा, कोई भी एचयूवी में प्री फिल्टर मिलेगा, उसके साथ बैक फिल्टर भी यूज हो जाता है, कार्बन फिल्टर भी यूज होता है, प्लेटेड फिल्टर भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्री फिल्टर का यूज किया जाता है हमारा एफसीयू में। नेक्स्ट बेल्ट, बेल्ट रहेगा, बेल्ट क्यों रहेगा, क्योंकि बेल्ट मान लीजिए हमारा मोटर है और ब्लोअर है, क्योंकि एचयू का साइज बड़ा रहता है ना, थ्री फेज का मोटर है, तो उसको बेल्ट बाय बेल्ट के जरिए कनेक्ट किया जाता है एचयू को, जो कि हमारा एफसीयू में बेल्ट नहीं मिलता है। वो मोटर सिंगल फेज का मोटर के दोनों बगल शाफ्ट निकला रहता है और दोनों में ब्लोअर कनेक्ट रहता है जो राउंड होता है, उसको बेल्ट की जरूरत नहीं है, जो कि एचयू को हम लोग को बेल्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें एयर फ्लो स्विच मिलेगा, एचयू में एयर फ्लो स्विच आपको देखने को मिलेगा, डक्ट में वीएफी देखने को मिलेगा, वीएफी के बारे में आपको बता दिए। हीटर देखने को मिलेगा, हीटर क्यों देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमिडिटी बढ़ गया घट गया उसके हिसाब से ये मेंटेन होता है हीटर, और फिर ह्यूमिडिफायर को भी उसी जगह पे यूज में लाया जाते हैं, जो कि हमको एचयू में एसी देखने को नहीं मिलेगा, या हीटर के जगह पर अगर हीटर नहीं है तो वहां पे हॉट वाटर को यूज किया जाता है, चिल्ड वाटर, जो हमारा चिल्ड वाटर तो हमारा कूलिंग के लिए आ रहा है एचयू में भी और एफसीयू में भी। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच ऑफ एयर, ये डिफरेंशियल एयर प्रेशर स्विच होता है, एयर का डिफरेंस को ये मेंटेन करने के लिए एक स्विच को यूज किया जाता है। एक्चुएटर, ये हमारा मेन इंपोर्टेंट है, एक्चुएटर का पिछला वीडियो जो हमारा अपलोड है एक्चुएटर के बारे में हम बताए हैं, एफसीयू और एचयू में एक्चुएटर कैसे काम करता है, रूम के टेम्परेचर आने के बाद ये काम करता है, फुल डिटेल्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, वो देखें आप। एक्चुएटर इसे बैक्टीरिया कंट्रोल करने के लिए भी इक्विपमेंट को यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग एफसीयू में, एफसीयू में क्या क्या देखने को मिलेगा, मोटर सिंगल फेज का मोटर मिलेगा, एक्चुएटर मिलेगा, प्री फिल्टर आपको मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा क्योंकि सिंगल फेज का मोटर है तो उसको विथ हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, रूम एयर रिसर्कुलेट, इसमें क्या होता है एक ही एयर को रिसर्कुलेट किया जाता है, ठीक है, और उसका बैक साइड में रिटर्न रहेगा और आगे सप्लाई रहेगा, वही हवा को वो ठंडा करते रहता है, रिकूलिंग करते रहता है वो। सेंसर, सेंसर इसमें भी बहुत सारे सेंसर आपको देखने को मिलेंगे, गेज, गेज इसमें भी रहेगा, थर्मोस्टेट इसमें भी इनलेट आउटलेट में लगा रहता है, कूलिंग कॉइल, चिल्ड वाटर, तो इसमें बहुत कम सामान है, जैसे कि आप देख रहे हैं गेज वगैरह इसमें भी रहेगा, थर्मोस्टेट वगैरह इसमें भी रहेगा, सब कुछ तो वही चीज है, लेकिन इसमें बहुत कम पार्ट यूज किए गए हैं। तो इस हिसाब से एचयू और एफसीयू का आप डिफरेंस बता सकते हैं किसी को, या आप काम करने जाएंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको बहुत सारा कुछ समझ में आ गया होगा और दोनों का डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा और दोनों में क्या क्या चीज यूज किए जाते हैं आपको मालूम चला होगा। तो अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है और भी इसके बारे में कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मैसेज करें, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें जो भी क्वेश्चंस हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम एचवीएसी रिलेटेड और एयर कंडीशनिंग जो भी डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्री तीनों लाइन से हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब किसी दूसरे टॉपिक के साथ।